भाई आजकल मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझे कोई इतना टफ टाइम दे दिया है कि मुझे समझ ही नहीं आता कि भाई आप लोगों में से किसके कमेंट को मैं रिप्लाई करूं या किसके कमेंट्स मैं अपने व्लॉग में बोलूं, क्योंकि आप लोग माशाल्लाह सारे ही इतने अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं मुझे, और मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि इतने प्यारे कमेंट्स करते हैं। और बस मेरा दिल करता है कि मैं आप लोग सबका नाम ले लूं और 50 मिनट्स का व्लॉग बेशक हो जाए, पर आप लोग अगर देखने वाले हों तो मैं सबका बैठ के नाम लेने के लिए तैयार हूं। और आज मैं चेज़ वैल्यू क्यों गई, मैंने वहां से क्या ख़रीदा, ये सब कुछ आपको डिटेल से बताऊंगी अपने व्लॉग में। और मैंने जो अबाया मंगवाया था वो कैसा लगा उसका भी आप मुझे कॉमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिएगा। तो चले आए व्लॉग की तरफ चलते हैं, सारी चीज़ें मैं आपसे डिटेल से शेयर करूँगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ महरीन अब्बासी और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं महरीन अब्बासी व्लॉग्स। तो मेरी प्यारी सी YouTube फैमिली, होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ जो है मैंने ये एक महीना पहले अपना अबाया मंगवाया था। अच्छा, ये जो आया है जस्ट कोट आया है 2250 रुपये का, और जो इसका ब्रांड है वो है ब्रांड रिवॉल्वर्स के नाम से। इंस्टा पे एक पेज है, मैंने देखा था, मुझे ये अबाया अच्छा लगा। तो इसमें तो लड़की ने प्रिंटेड स्कार्फ लिया हुआ था, स्टॉलर लिया हुआ था। तो मेरे पास तो अभी वो प्रिंटेड नहीं था, मैं तो बाहर गई नहीं तो मैंने मंगवाया ही नहीं। तो मैंने सोचा आज मुझे यह अबाया पहनना है, क्योंकि मुझे बहुत इसको पहनने की क्रेविंग हो रही थी। तो फिर मैंने जो मेरे पास स्टॉलर थे उन्हीं को ही प्रेस वगैरह करके उनके साथ पहन लिया। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों को मेरा अबाया कैसा लगा, और इंशाल्लाह अगर इसका मुझे स्टॉलर जो मेरे माइंड में है वो मुझे मिल गया तो फिर मैं वो भी आपसे शेयर करूंगी। तो मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मेरा न्यू अबाया आप लोगों को कैसा लगा, और इस स्टॉलर के साथ ठीक ठाक लग रहा था कि नहीं मुझे कुछ और करना चाहिए। तो बस यहाँ पे देख लीजिए, मैं अभी अपनी नॉर्मल रूटीन के हिसाब से जुम्मे वाले दिन की क्लीनिंग कर रही थी कि बस जैसे ही थोड़ा सा मैं फ्री होती हूँ तो जाती हूँ बच्चों को नहला धुला, तो मैं जुमरात को ही लेती हूँ, तो उनको कपड़े वगैरह चेंज करा के खुद जाके फ्रेश होती हूँ। तो फिर मेरे हस्बैंड की अचानक से कॉल आ गई कि भाई तुम अगर आना चाह रही हो तो आ जाओ और चेज़ वैल्यू चलते हैं, जो तुम्हें चीज़ें चाहिए थी, बर्तन वगैरह चाहिए थे, तो मैं तो नहीं ले सकता, तुम आओ और फिर मिल के ले लेते हैं। तो मैंने बोला चलें ये भी ठीक है। फिर मैंने शाम को भी रेडी किया और अपना किचन वगैरह का सारा काम किया, आरुष हुरैन को छोड़ा अम्मी के पास और शाम को लेकर रिक्शे में चले गई। अच्छा, ये रिक्शे वाला भी जानने वाला था इसलिए कोई परेशानी नहीं हुई, और इसको लोकेशन पता थी। तो बस फिर हस्बैंड मेरे वेट कर रहे थे क्योंकि इनकी ऑफिस के करीब ही है चेज़ वैल्यू। अच्छा, जिसको लोकेशन नहीं पता वो आप लोग गूगल से भी मालूम कर सकते हैं या नेविगेशन भी लगा सकते हैं, तो ईजी है बिल्कुल। कुरंगी में न्यू ब्रांच खुली है चेज़ वैल्यू की, और इसमें जो न्यू ब्रांच खुलने का मुझे ये फ़ायदा हुआ कि इसमें सारी चीज़ें यूनिक और स्टाइलिश थी, और सारी ही चीज़ों की वैरायटी बहुत ज़बरदस्त थी और बहुत वैरायटी थी इनके पास। तो बस यहाँ मैं पहुँच गई थी, हस्बैंड को मैंने कॉल कर दी कि भाई मैं पहुँच गई हूँ, आप भी आ जाएँ। तो उन्होंने बोला जब तक तुम शॉपिंग वगैरह करो मैं आता हूँ। अच्छा, अंदर जाके तो बिल्कुल सेफ था, मोबाइल निकाल के मैं बिल्कुल ईजी होकर अपनी व्लॉग्स बना रही थी, मुझे पता था यहाँ कोई हाथ से मोबाइल नहीं छीनने वाला। अच्छा, यहाँ पे फिर मैंने जो आहिस्ता आहिस्ता अपनी चीज़ें कलेक्ट करना शुरू करी, और फिर मुझे कुछ बर्तन लेने थे, जैसे कि मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि रमज़ानों के लिए हर साल की तरह इस साल भी मैंने सोचा भाई कुछ यूनिक चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि भाई रमज़ान में अच्छा लगता है नए बर्तन हो, साफ़ सुथरे हों। अच्छा, मेरे अंदर कुछ है, मेरी अम्मी भी यही करती थी और मेरी भाभी भी आगे से यही करती हैं कि वो न्यू बर्तन लेके आती हैं रमज़ान में, न्यू चीज़ें होती हैं, तो मेरे भी अंदर कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि भाई रमज़ान में न्यू चीज़ें होनी चाहिए, मज़ा आता है भाई। अच्छा, सारी चीज़ों के साथ साथ आपको रमज़ान की ये चीज़ के लिए भी आप एक्साइटेड होते हो कि नए बर्तन में खाएंगे, अच्छा खाने की ज़्यादा वैरायटी होगी हमारे पास, और हमारे पास चार पांच तरह की चीज़ें होंगी दस्तरखान पे, जूसेस होंगे। मतलब मेरे बच्चे इस चीज़ के लिए इतने एक्साइटेड हैं कि मम्मा आप रोज़ हमें जूस बना के देंगी, उनका बस एक ही टारगेट है कि आप हमें रोज़ जूस बना के देंगी। क्योंकि ऐसा होता है कि रोज़ाना की बुनियाद पे तो पॉसिबल नहीं होता कि मैं इनको जामे शीरी दूँ या मैं जो दूसरे दूध वाले दूध दूँ, ये तो मुश्किल हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड से बोला हुआ था कि भाई आप मुझे एक चीज़ दिला दीजिए क्योंकि वो मेरी हो गई है ख़राब, वो है ब्लेंडर। और फिर मैं अपने मियाँ के पीछे पड़ गई कि भाई मुझे ये पसंद आ रहा है आप दिला दें। वो मैं आप लोगों से सारा डिटेल से मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी कि मैं क्या क्या चीज़ लेके आई हूँ। ये व्लॉग बहुत ही लंबा हो रहा था तो मैंने सोचा कि आज मैं आपसे बस यही चीज़ें दिखाती हूँ, कल के व्लॉग में इंशाल्लाह बैठ के अपनी सारी शॉपिंग जो है शॉपिंग हॉल आप लोगों से शेयर करूँगी। तो बस वो कौन से दो सब्सक्राइबर हैं जो हमेशा इतने प्यारे वर्ड्स मेरे लिए कहते हैं, एक तो है जो है वो गुलाम रसूल के नाम से,
वो लेडी ही हैं, वो लड़की ही हैं, वो हमेशा मुझे अच्छा प्यारा सा कमेंट करती हैं। और जो सेकंड है वो है इंडियन, मेरी बहन इंडिया की है, नीलो अहलावत व्लॉग एंड ब्यूटी। अगर मैंने गलत ले लिया हो तो उसके लिए माजरत। और ये हैं मेरी दो प्यारी सी सब्सक्राइबर्स। उम्मीद है कि आप लोगों को अपना नाम सुन के खुशी हुई होगी। तो बस यहाँ पे मेरी शॉपिंग हो गई थी कंप्लीट और बस हम लोग निकल रहे थे, और यहाँ तक था मेरा आज का व्लॉग। और अगर किसी को भी अबाये में इंटरेस्टिंग है तो मेरी तरफ से तो भाई मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रही हूँ कि आप लोग ले सकते हैं, आपको खुशी होगी अबाया पहन के। और इतना मतलब ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, 2250 रुपये का ही है। तो बस यहाँ पे मेरा होता है व्लॉग ख़त्म। मुझे रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।